अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक डिटेल रिव्यू लेके हैं अल्ट्रा 7.6 का। जी हाँ दोस्तों, उसका जो स्पेशल एडिशन आया था, आज हम उसके बारे में डिटेल रिव्यू लेके हैं। उसमें क्या क्या स्पेक्स एंड फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं IMC की तरफ से। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करूँ और ये भी आपको बताऊँ कि क्या हमें ये गाड़ी बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट के चलते हम वीडियो की तरफ। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल सकें। तो दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की तरफ। और तो फ्रेंड, दिस इज़ द स्पेशल एडिशन इन अल्ट्रा 7.6। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट लुक इंप्रेशन देखेंगे और देन फिर हम इसके अगेन रिव्यू की तरफ बढ़ेंगे। और एट द फ्रंट, दिस इज द स्पेशल एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्लोर द एक्सटीरियर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ कार। अगर एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में सबसे पहले आप बम्पर चेक कर सकते हैं, जो कि बम्पर हमारी अल्ट्रा 7.6X का था। बिल्कुल सेम वैसे ही बम्पर हमें स्पेशल एडिशन में भी प्रोवाइड किया गया है। इसमें यहाँ एक चीज़ जो इन्होंने चेंज किया वो इनमें ये है कि इन्होंने लाइट की जगह LED प्रोजेक्शन लाइट हमें जो एडिशनल प्रोवाइड कर दी गई है, जो कि ग्रैंडी में जस्ट फीचर दिया गया था। इसमें हमें जो एडिशनल फीचर है उसमें हमें LED प्रोजेक्शन लाइट दे दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें टर्न सिग्नल्स की लाइट मिल जाती हैं और उसके अलावा बाकी अदर चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। ये DRL की ऑप्शन मिल जाती है हमें। नीचे वाली साइड पे देखें तो नीचे वाली साइड पे हमें वही फॉग लैंप्स हमें अगेन इन्होंने नहीं प्रोवाइड किए गए, जो कि स्पेशल एडिशन में इन्होंने करने चाहिए थे। मेरा ख्याल है इनको प्रोवाइड करने चाहिए थे, बट इन्होंने नहीं किए। ये IMC अब इसकी ज़िम्मेदार है, अब हम क्या कर सकते हैं। IMC को चाहिए था, करने चाहिए, बट नहीं किए। अगेन हम साइड पे देखते हैं तो साइड पे हमें वही टोयोटा का लोगो, बाकी सारी चीज़ें हमें वैसे की वैसे ही नज़र आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एडिशनल जो शेड्स हैं वो शेड्स ये चेक करें आप, जो शेड्स प्रोवाइड किए गए हैं ये शेड्स बड़े खूबसूरत किस्म के शेड्स हैं। साइड पे देखें तो साइड पे आप हम आ जाते हैं तो साइड पे आप ये भी शेड्स चेक कर सकते हैं, ये भी शेड्स बड़े ही खूबसूरत किस्म के यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें देखें तो यहाँ पे हमें जो इस बार इन्होंने एडिशन फीचर में भी हमें वही चीज़ प्रोवाइड की गई जो 1.6 थे। इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर ही हमें प्रोवाइड किए गए, सिंपली मिरर प्रोवाइड किए गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है टर्न सिग्नल्स की लाइट। और नीचे वाली साइड पे देखें अलॉय रिम्स को अगर हम बात करें तो अलॉय रिम्स भी हमें योकोहामा के ही प्रोवाइड किए गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हमें बिल्कुल जो एक पुराने वाले अलॉय रिम्स से वही हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे हमें VVTA सिस्टम की एक लोगो पैचिंग मिल जाती है। और उसके अलावा यहाँ पे आप एक जो एडिशनल चीज़ यहाँ पे की गई है वो ये है कि यहाँ पे हमें क्रोम की माइनर सी लाइनिंग प्रोवाइड की गई है, जैसे हमारी ग्रैंडी में थी बिल्कुल वैसे की वैसे ही यहाँ पे हमें एडिशनल में प्रोवाइड कर दी गई है। साइड नीचे वाली साइड पे देखें तो ये आप शेड चेक करते हैं, जो कर्व इन्होंने दिया है बड़ा ही खूबसूरत किस्म का कर्व है, आप देख सकते हैं। ये बहुत गुड लुकिंग लगता है जब आप इसको गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो इसको बड़ा ही खूबसूरत किस्म। नीचे वाली साइड पर देखें तो नीचे वाली साइड पर साइड स्कर्ट्स इजीली हमें मिल जाती हैं। और उसके अलावा हम इंटीरियर की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम इसके बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर लें। बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही हमें मिल जाती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ जो मज़े की हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है वो ये है कि यहाँ पे हमें जो इन्होंने डिफोगर्स की ऑप्शन दी है वो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दी है। और इसके अलावा एक और चीज़ इन्होंने ऑप्शन दिया है, यहाँ पर हमें आपकी जो रेडियो सिस्टम है उसकी भी लाइनिंग हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। इसके लिए एडिशन से हमें ऊपर इन्होंने एंटीना नहीं दिया, इसके अंदर ही एंटीना ये जो आप देख रहे हैं ये लाइनिंग, इसमें ही हमारा रेडियो सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा नीचे वाली साइड पर देखें तो नीचे वाली साइड बिल्कुल सेम है। ये वाली साइड देखें, बैक वाली साइड देखें तो बैक वाली साइड में भी कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट वही आपके DRLs मिल जाते हैं बैक वाली साइड पर भी। और उसके अलावा टर्न सिग्नल्स लाइट बैक वाली साइड पर और बैक वाली
लाइट जो ब्रेक के लिए अटैच होती है वो मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो क्रोला की पैचिंग हुई है। उसके अलावा अल्टस नीचे वाले साइड पे देखें अल्टस 1.6X, और यहाँ पे साइड पे देखें तो टोयोटा। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें ये भी टोयोटा का लोगो यहाँ पे दिया गया। और उसके अलावा ये देखें एक चीज़ जो हमें प्रोवाइड की गया है स्पेशल एडिशन। अब हम चेक कर लेते हैं इसको। आप ये देखें हम इसकी ओवरऑल लुकिंग चेक कर सकते हैं, हमारा लुकिंग कितनी खूबसूरत किस्म की यहाँ पे बनाई गई है जो कि 1.6 की थी। और बाकी यहाँ पे हम वही चीज़ें देखने को हमें मिल सकती हैं। ये देखें आप जिस तरह यही चीज़ है वही हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी हमें वही क्रोम हैंडल और उसके अलावा क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है। बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं। बाकी हम चलते हैं अंदर गाड़ी के और उसके बाद अंदर जाके हम बाकी इसके अदर फीचर्स को डिस्कस करते हैं। एक बार आप इसकी ओवरऑल लुकिंग चेक कर लें, ओवरऑल लुक कितनी ही ज़बरदस्त किस्म की है। और एट द फ्रेंड दिस इज द इंटीरियर साइड ऑफ अल्टस 1.6 स्पेशल एडिशन। इसके इंटीरियर साइड चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी जो ग्रैंडी है उसके साथ मैच करती है। इसमें कोई बिल्कुल भी चेंजेस नहीं की गई, जस्ट ऑल ओवर ग्रैंडी के जो फीचर्स से वो इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए जो इसमें एडिशन किया गया है पुश स्टार्ट बटन का एडिशन किया गया है। जो हमारी अल्टस 1.6 पढ़ाने वाली थी उसमें तो सिंपली कीज का एडिशन था, इसमें अब इन्होंने ये वाला स्पेशल एडिशन में पुश स्टार्ट ऑप्शन दे दिया। और उसके अलावा ऊपर की बात करें तो यहाँ पे हमें एक सनरूफ की ऑप्शन भी मिल जाती है जो कि अल्टस 1.6 स्पेशल एडिशन में प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा ये जस्ट ग्रैंडी में है, आपके फॉर्च्यूनर में भी ये ऑप्शन नहीं है सनरूफ की, जो कि इन्होंने अभी इस वक्त 1.6 स्पेशल एडिशन में प्रोवाइड की गई है। और ये आप ओवरऑल लुक चेक कर सकते हैं, हम इसको डिटेल से नहीं देखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमारी ग्रैंडी थी उसी की तरह है। और हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, हम जो इसके मेन फीचर्स हैं वही हाइलाइट्स जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, अब फिर आपको एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ इसके जो हाइलाइट्स फीचर्स से वो किस तरह के यहाँ पे हमें इन्होंने प्रोवाइड किए गए हैं। ऑलराइट तो फ्रेंड्स ये रहा अल्टस 1.6 स्पेशल एडिशन का इंजन कंपार्टमेंट। ये टोटली सेम है हमारी अल्टस 1.6X वाली जो मॉडल था, जो न्यू मॉडल था उसके बिल्कुल 100% वही चीज़ है, कोई इसमें चेंजेस नहीं की गई। हम इसको फर्दर डिटेल से बयान करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट तो फ्रेंड दिस इज़ द कीज़ ऑफ अल्टस 1.6 स्पेशल एडिशन। आप कीज़ चेक कर सकते हैं, इसकी रिमोट वाली कीज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं, सिंपली वही हैं जैसे ग्रैंडी की हमें कीज़ थी उसी की तरह यहाँ पे कीज़ हमें मिल जाती हैं। ये आप चेक करें, यहाँ पे हम गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, यहाँ से गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ से इसका बैक ट्रंक ओपन कर सकते हैं। और ये वाली साइड पे अगर गाड़ी आपकी कोई बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आपकी खड़ी हैं उसमें आपकी गाड़ी मिल नहीं रही है तो आप सिंपली इसको प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी मिल जाएगी। ये गाड़ी आपकी बजर प्रोवाइड करेगी जिससे आपकी गाड़ी ईजिली सब में नमाया हो जाएगी और आपकी गाड़ी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा फ्रंट पे देखें तो फ्रंट पे हमें एक मिल जाता है यहाँ पे मॉडल कोड और उसके अलावा इसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर, गाड़ी का कलर कोड और उसके अलावा ये अल्टस 1.6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और ये आगे आ गया SR M21 का मतलब है स्पेशल एडिशन। अच्छा तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा छोटा सा रिव्यू अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी माइलेज की। तो दोस्तों ये गाड़ी आपको एक बड़ी ही जबरदस्त माइलेज प्रोवाइड करने वाली है। जी हाँ दोस्तों ये आपको माइलेज प्रोवाइड करती है इन द सिटी 13-14। ये मैं नहीं कह रहा ये IMC की रिकमेंडेड माइलेज है, बट ये आपको इतनी ही माइलेज प्रोवाइड कर सकती है। बट इट्स ओनली डिपेंड ऑन योर एक्सेलरेशन कि अगर आप उसको गुड एक्सेलरेट करते हैं तो आपकी गाड़ी आपको इतनी ही माइलेज प्रोवाइड करेगी। अगर इसको बात कर लें ऑन द मोटर पे तो दोस्तों ये गाड़ी आपको ऑन द मोटर पे भी बड़ी ही जबरदस्त माइलेज प्रोवाइड करने वाली है। जी हाँ दोस्तों ये आपको माइलेज प्रोवाइड करने वाली है 16-17 जो कि एक बड़ी ही खूबसूरत माइलेज है। और इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं इसकी प्राइस टैग के वाले से, तो दोस्तों ये गाड़ी जो आपको आपके जो हैंडओवर की जाएगी विद सारे टैक्सेस वगैरह जितने भी हैं, फाइलर्स का टैक्स, उसको रजिस्ट्रेशन टैक्स वगैरह वगैरह सारे टैक्सेस वगैरह डालकर आपको 37 के राउंड पर पड़ जाएगी। बट अगर बात करते हैं इसकी इनवॉइस की तो दोस्तों ये गाड़ी आपको जो इनवॉइस में मिलेगी वो 35 लाख और उसके राउंड बोर्ड कुछ आगे इसकी प्राइस है। जी हाँ दोस्तों 35 लाख और मेरे ख्याल समथिंग आगे कोई 50-60 हज़ार रुपये ऊपर समथिंग भी है इसके आगे। और ऑलराइट दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।